कौन माहौल बड़ी अलग है मान दो हनुमान बीन वाले को जब वो पूरे हेठ है उम्मीद में तो करा हनुमान बीन वाले चुनाव में निकलना चाहिए। मोहनलाल जी ने राज नहीं किया, कुराज किया है, कुशासन किया है और लोगों को मतलब इतना परेशान किया है, लोगों पे भाई भाई को लड़वाना, एक दूसरे को मतलब डिमोरलाइज करना, किसी को आगे नहीं आने दिया। हनुमान जी का मतलब यहाँ प्रेजेंटेशन होने से, RLP चुनाव लड़ने से यहाँ इन दोनों पार्टी सहमत में आ गई, दोनों पार्टियों की दिक्कत हो गई और दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस BJP दोनों हार रही है और RLP जीत रही है। हनुमान बेनीवाल ने इनको गली गली कर दिया, घर घर कर दिया। राजकुमार शर्मा जी आदो नेता को वो एक धंधो है, ये धंधे में ये तो धंधो करे, कोई राजनीति थोड़ी है। राजनीति में को तो क्यों छोड़े, क्यों ज्वाइन हुए? मोहनलाल जी लंबे समय तक यहाँ रहे, मोहनलाल जी ने यहाँ कोई काम नहीं किया, काम पे नाम पे जीरो। लोगों का ये कहना है ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं हैं, ना यहाँ पे बिजली समय पे आती है, ना कोई रोज़गार की बात है, ना कोई PSC है, ना कोई CSE है, क्या है भी तो वहाँ पे कार्मिक मौजूद नहीं है, स्कूलों के बेहाल हैं, बहुत बुरा हाल है सरदार से। तो लड़का दादा को बाबा को कहेगा कि अब का दादा जी वोट है देखो हनुमान बेनीवाल देना है तो वो मना नहीं करेगा, मानेगा आप करें? हाँ, अगली बार पक्का मानेगा। क्यों? क्या वो बोध नहीं कर रहा है, बूढ़ा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है कहीं। इसे ने तो मैं के ग्राम को मैंने एक छोटे से काम में 3 चक्कर कटाया, जेब बन में कोई विधायक बना दिया जो तो मैंने उरे गांव में कोई घरों निकलना बंद करा दे। अब हनुमान के डर से गोविंद सिंह डोटासरा, बिड्डी कल्ला, गुलाब चंद कटारिया सब हमारे गांव में आए, नहीं कभी नहीं आए, आते भी नहीं, आगे भी नहीं आएंगे, अब हनुमान के डर से आए हैं। जब कांग्रेस BJP का जनाधार खिसक गया ना तो ये नेता लोग हैं और जाति आधार पर आ गए। अब डोटासरा जी, नरेंद्र बुडानिया, कृष्णा, ये तो राज में आज तो पहले भी आ सकते थे यहाँ और लोगों की समस्या का समाधान भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे क्या? क्यों नहीं किया इन्होंने चुनाव के वक्त? आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का, तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th की परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म, आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान IIM करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745266। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं RJ TV 24। RJ TV 24 की चुनावी यात्रा लगातार गांव-गांव ढाणे-ढाणे जा रही है और वहां पे लोगों की समस्याएं क्या हैं, वहां के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि सरदार सर में सेमीफाइनल चल रहा है, 2023 में फाइनल होगा। इस वक्त हम हैं सरदार सर से 30 से 35 किलोमीटर दूर कांगड़ गांव में। यहां पे हनुमान बेनीवाल की कल सभा होनी है सुबह 9 बजे, तो यहाँ पे कुछ RLP कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे RLP के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास जी भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इनकी रूपरेखा है और यहाँ पे कल हनुमान बेनीवाल की सभा होनी है और हेलीकॉप्टर से सभा करने वाले, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। यहाँ पे जब हनुमान बेनीवाल आने वाले हैं तो आइए विकास जी जानते हैं। विकास जी नमस्कार, आपका RJ TV 24 पे स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अभिषेक भाई, आपकी टीम इतनी लंबी कवरेज कर रही है उसके लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। विकास जी, कल यहाँ पे हनुमान बेनीवाल आने वाले हैं, उसके लिए आपकी क्या रूपरेखा है यहाँ की? देखिए, कल यहाँ हनुमान जी बेनीवाल आने वाले हैं, कल के हनुमान जी की पूरे सरदार शहर में अलग अलग जगह सभाएं हैं और उसके लिए रूपरेखा ये हज़ारों का पंडाल तैयार किया गया है और यह किसानों और नौजवान सरदारों का कल बहुत बड़ा एक मेला भरेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे लंबे समय से जमावड़ा लिए बैठे हो यहाँ इस पंचायत में, तो यहाँ पे आप लोगों से रूबरू हो रहे हो, वार्ता भी कर रहे हो, लोगों का क्या कहना है यहाँ पे, मुख्य समस्याएं आपको क्या देखने को मिल रही है? देखो जी, लोगों का कहना यही है कि 35 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मोहनलाल जी लंबे समय तक यहाँ रहे, मोहनलाल जी ने यहाँ कोई काम नहीं किया, काम पे नाम पे जीरो। लोगों का ये कहना है ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं हैं, ना यहाँ पे बिजली समय पे आती है, ना कोई रोज़गार की बात है, ना कोई PSE है, ना कोई CSE है, क्या है भी तो वहाँ पे कार्मिक मौजूद नहीं है, स्कूलों के बेहाल हैं, बहुत बुरा हाल है सरदार सर का जी। यहाँ पे कल हनुमान मेने वाले हैं, आप कितने लोगों की आशंका लगा के बैठे हो? तकरीबन 20,000 लोग यहाँ आएंगे जी। शुक्रिया। यहाँ पे बाबा बैठे हैं, बस बाबा राम राम। राम राम बाबा। इनका क्या लगा है चुनाव का मन, के माहौल है? माहौल बढ़िया है चुनाव में। इनका क्या इतना कल हनुमान मेने वाले आ रहा है हेलीकॉप्टर लेकर, तो इसके कारण के लग गया था ना? ये कारण माहौल बढ़िया लग गया मान दो हनुमान मेने वाले को जब वो पूरे हेठ है जी। हाँ, तरगाव में कांग्रेस BJP रहा भी आया होगा, डोटासरा जी, राठौर साहब, तो बे के गया है कहने साहब, आपकी सही कमी है कोई आवाज कोई? अच्छा,
पर आज उसे मांग करें कैंडिडेट कोई खड़े हो भी को अधिकार है कि आवे और नाक सेन करे सेन करना ही पड़े ठीक है देश। हनुमान बेनीवाल ने के लागे अब कर हनुमान बेनीवाल थरगा में वोट मांगने भी आया है। हाँ मालकम वोट मांगना है मान तो माहौल बढ़िया लागे हनुमान बेनीवाल को। तो के उम्मीद करो दे हनुमान बेनीवाल? उम्मीद में तो ही करा हनुमान बेनीवाल चुनाव में निकलना चाहिए। गाँव में समस्या समस्या क्या है मोटी मोटी? गाँव में समस्या सारी समस्याएं पड़ी है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, स्वास्थ्य कोई लिए यहाँ पर व्यवस्था नहीं, पशु चिकित्सालय नहीं, कोई शिक्षा है, बारहवीं क्लास तक स्कूल है भी कम, स्टाफ को नहीं, सात आदमी कोई हेडमास्टर नहीं है, सारी समस्याएं हैं। बाबा एक थारे गांव को एक काल परसों कोई वाक्य सुने हो मैं कि कोई लाइट आज की रात ना आया करते बेनीवाल थारे दिन में करवा दी, वो के है भी थोड़ा लाइट तो कौन ही कराओ, पाँच दिन करवा दी थी, पाँच दिन के बाद में लाइट रहे हमारे तो जना माना फलाने करवा दी रात की 10 बजे और सुबह 4 बजे तक किसान है जगह परेशान हुई सर्दी के माँ। तो अब कर हनुमान बेनीवाल उम्मीद है कि तने? हाँ उम्मीद मान तो है कि वो मन प्रलोभन दे पक्को कभी ठीक है मैं आऊँगा तो सारी समस्या पूरी करूँगा जी। शुक्रिया भाई साहब। आपने के लगे थे काफ़ी देर से ठे पंचायत में बैठे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, क्या लगे? मैंने तो बढ़िया लगे, मैं तो उरे पंचायत में लगे मन तो आर एल पी 231 गाँव में तो सुना गया हमारा मतलब रिश्तेदार हैं और हैं बन बुझा भी हाँ जब करें अब अगर तो बदलाव करनो अपन आ रहे खाली जो पंचायत है 11 पंचायत है पहले रतनगढ़ में आया करती तो राजकुमार शर्मा जी अब अगर भाजपा ज्वाइन कर ली तो भी चूँकि लगा कोई फर्क पड़े कोई रतनगढ़ आ रहे हम? राजकुमार शर्मा जी आ तो नेता को वो एक धंधो है, ये धंधे में ये तो धंधो करे कोई राजनीति थोड़ी है, राजनीति में जो को तो क्यों छोड़े क्यों ज्वाइन हुए वो नेता है वो तो लोग बिन बुझे अभी जनता सागे हुए आगे सागे कौन है आगे तो वसुंधरा गहलोत सब मिलेड़ा है तुड़ा आने पाचा जोर जी। एक चीज और बताओ जी हनुमान बेनीवाल काल आ रहे हैं तो विषय थे के उम्मीद करो? हनुमान बेनीवाल तो आ रहे हैं तो बाहू तो मुद्दों ही है हमारे किसानों को कर्जो माफी हुए, हमारे गांव में कोई लाइट की सुविधा है वह लाइट रात ना हो वह दिन में खराब है और भी टूल माफ हुए और हुए बेनीवाल मुद्दा तो बेनीवाल करा भी सी लागे ही करवा देगो। हाँ लागे जदि तो मैं इतना सागे हो रहा। एक चीज और मैं थर गांव की सुन ही कह यो जो 11 पंचायत है जी कहानी भी हो जाए मतलब पलड़ो भारी हो अभी कह तो जिता देर करा दे नहीं हो यहाँ 11 पंचायत कोई बिना काम कोई काम ही नहीं करवा जा 11 पंचायत छोड़ एक भाई कौन जुड़े जो 11 पंचायत जुड़नी तो बहुत बड़ी हो जाए एक भाई ने जोड़ना उधर हो जाए जी। अनिल जी अब कार्य कह रहे हैं कि हमारे पापा के सिंपैथी का वोट दो, पापा जी गुजर गया अभी के बारे में क्या कहना? अनिल जी तो कहेगा उनके उनको तो राजनीति का उसका धंधा है वो तो धंधे के लिए कहेगा और भाई है वो भाजपा ज्वाइन कर लिए वो तो उनके बुनके वो अनिल पैसे वाला बन गया वो थोड़ा पैसे वाला कम उसको खजाने की चाबी है नहीं तो और भी कुछ लोग हैं। वकील साहब थे भी गांव का निवासी हो तो थाने के लग गए गांव में मतलब के माहौल है? गांव माहौल बढ़िया है, आरएलपी काफ़ी बढ़त ले सीट है। आप लंबे समय से एक्टिव हो यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के भी लोग आए होंगे, भंवरलाल जी ने 35 साल तक राज किया तो उनके बारे में क्या कहना है भंवरलाल जी कार्यकाल के? भंवरलाल जी ने राज नहीं किया, कुराज किया है, कुशासन किया है और लोगों को मतलब इतना परेशान किया है लोगों पे भाई भाई को लड़वाना, एक दूसरे को मतलब डिमोरलाइज करना, किसी को आगे नहीं आने दिया यहाँ जी। पूरा राज पूरा तंत्र अपने अंडर में रखा, इसलिए क्या है लोगों में कांग्रेस के प्रति भंवरलाल जी के प्रति यहाँ एक नफरत का समावल है। यहाँ पे आपके भाजपा के बड़े नेता हैं यहाँ से सर चूरू में राजेंद्र राठौड़ साहब, वो भी गांव-गांव जा रहे हैं ढाणी ढाणी जा रहे हैं, क्या लगता है माहौल बदल पाएंगे? उनसे कोई माहौल नहीं बदला जाएगा, हनुमान बेनीवाल आरएलपी ये चुनाव लड़ रही है ना इसलिए क्या है इनको जाना पड़ रहा है, अन्यथा तो मतलब इनका सिस्टम ये था कि भाई एक तरफ भंवरलाल के लड़के को टिकट मिल गई, एक तरफ है ये मतलब अशोक पिंचा को मिल गई, ठीक है भंवरलाल जी का लड़का जीत जाएगा, कोई सहानुभूति का कहेगा, कोई ड्रागे ले लेगा, कोई कुछ कहेगा, अब क्या इनकी हनुमान जी का मतलब यहाँ प्रेजेंटेशन होने से आरएलपी चुनाव लड़ने से यहाँ इन दोनों पार्टी सहमत में आ गई, दोनों पार्टियों की दिक्कत हो गई और दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस बीजेपी दोनों हार रही है और आरएलपी जीत रही है, हनुमान बेनीवाल ने इनको गली गली कर दिया, घर घर कर दिया जी। यहाँ पे आपके पास की विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार जी रणवा आते हैं जो पहले
कांग्रेस में ज्वाइन हुए, फिर आरएलपी में हुए, सॉरी भाजपा में, अब वापस आ गए हैं। क्या लगता है भाजपा से ये बड़ा दांव है खेला है तो क्या जीत पाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा इनका। यहाँ पे राजकुमार रणवा जी कोई वर्चस्व, कोई वजूद नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है। देखो आम जनता है, आम जनता, आम वोटर उसी को पसंद करते हैं जो उनके लिए लड़ता है। और राजस्थान के लिए आज, राजस्थान की जनता के लिए आज हनुमान बेनीवाल लड़ता दिखाई दे रहा है, आपको भी दे रहा है, आम जनता के लिए लड़ रहा है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है। अदर स्टेट में भी चर्चा चलती है कि भाई हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, और जो लड़ेगा और जिनके हकों के लिए लड़ेगा वो तो उन्हीं के साथ जाएंगे। जी एक चीज़ और बताइए कि कल हनुमान बेनीवाल की सभा कितने लोगों की आशंका है? 10,000 से ऊपर जाएगी। जी यहाँ पर कौन सी पंचायतों की ज़्यादातर आशंका? कांगड़ पंचायत है, गोगा सर पंचायत है, मेड़ू सर पंचायत है, ये अपने नौसरिया पंचायत है, हुडेरा है, सिकराली है, बरजांग सर है, बंडवा है, भाणुदा है, पाबू सर है, हामू सर है, इन्हीं पंचायतों में। आपके गांव में गोविंद सिंह डोटासरा जी भी आए थे, कृष्णा पूनिया जी भी आए थे और नरेंद्र बुडानिया भी आए होंगे शायद, तो ये बड़े बड़े नेता हैं, तो ये जातिगत के आधार पर जहाँ जिनका बाहुल्य क्षेत्र है, जिनकी जाति ज़्यादा है, उन नेताओं को नहीं भेजा जाता, इसके कोई फैक्टर काम करेगा? कुछ नहीं करेगा फैक्टर। देखो ये मैं बताऊँ आपको, जब कांग्रेस बीजेपी का जनाधार खिसक गया ना, तो ये नेता लोग हैं और जाति आधार पर आ गई। अब डोटासरा जी, नरेंद्र बुडानिया, कृष्णा, ये तो राज में आज हैं, तो पहले भी आ सकते थे यहाँ और लोगों की समस्या का समाधान भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे क्या? क्यों नहीं किया इन्होंने? चुनाव के वक्त क्यों आए? इनको पूछो आप कांगड़ गांव में कब आए थे, इनका कब दौरा है, लास्ट पिछला दौरा कब हुआ था कांगड़ में? बिना चुनाव भी आते नहीं है कभी। और हनुमान बेनीवाल हुंकार रैलियों के माध्यम से भी पूरे राजस्थान में गांव 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 लोगों को जगाया है और 5 हुंकार रैलियां करके और फिर पार्टी बनाई है, तो लोग ऐसे ही हनुमान के साथ ही हैं। पिछली बार तो क्या हुआ, थोड़ा समय कम मिला, नई पार्टी थी, इस बार पूरा समय मिला है और नौजवान लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के कुशासन के खिलाफ। एक चीज़ और बताइए वकील साहब, भंवरलाल जी एक के कुछ समय पहले कहा था उन्होंने सभा में कि वोट तो मैं लांग में रखता हूँ, तो वो क्या वाक्य है? वो फूट भाषा का हमेशा ही प्रयोग करते थे, ऐसा उन्होंने, उनको नहीं करना चाहिए, और यदि किया है तो गलत किया है। और ये तो सरासर वोटों का अपमान करते थे वो, और अपमान करके लेते थे। और जब नया परिसीमन हुआ ना, तो ये पंचायतें सरदार शहर में गई और भंवरलाल जी ने ऐसे शब्दों का यूज किया, तो लोगों ने दिखा भी दिया कि वोट कहाँ होते हैं, वोट होता है दिल में। और हनुमान बेनीवाल को लोग मतलब इस कदर चाहते हैं, हनुमान बेनीवाल आज किसानों के, युवाओं के दिलों में राज करता है। यहाँ भाई साहब काफ़ी देर से उतावले हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो बताओ फिर से? हम ये कहना चाहते हैं, मैं अठे के नेता थे तो कांग्रेस बीजेपी की बात करो, मैं अठे के सरपंच हूँ दुखी, विधायक हूँ दुखी, MLA हूँ दुखी। मतलब रात की बात है, रात में एक गांव में हनुमान बेनीवाल आ रहा है कल, तो यहाँ सरपंच के हेलीपैड उतरने के लिए सरपंच के साइन की जरूरत पड़ी, NOC की, इसके उसके लिए हमारे को 3 चक्कर कटवाए, एक छोटा सा काम था ये, उसके लिए हमने चक्कर कटवाए। उस ईश नेताओं में केक रंज को मैंने एक छोटा सा काम में 3 चक्कर कटाया, जेब बन मेरे को विधायक बना दिया, जो तो मैंने उरे को गांव में कोई घरों निकलना बंद करा दे। सही बात है। आप कुछ और युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हो, क्या लगता है हनुमान बेनीवाल के लिए? हनुमान बेनीवाल छत्तीस कौम के नेता हैं, सभी के काम करते हैं, किसानों के हित में सोचते हैं, तभी हम उसके फैन हैं। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं लग रही है? गांव में मुख्य समस्या तो बिजली की है, मतलब रात को लाइट आती है, हमारे 400 ट्यूबवेल हैं और अभी तक कोई समाधान नहीं है। अब हनुमान के डर से गोविंद सिंह डोटासरा, बिड्डी कल्ला, गुलाब चंद कटारिया सब हमारे गाँव में आए, नहीं कभी नहीं आए, आते भी नहीं, आगे भी नहीं आएंगे, अब हनुमान के डर से आए हैं। यहाँ पे कुछ और युवा हैं, आपको क्या लगता है भाई? नमस्कार भाई, नमस्कार साहब, वोट तो RLP नहीं देशा? नहीं, वोट तो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि सारे लोग RLP के खड़े हैं, वो वोट तो उम्मीद क्या करते हो, क्या कारण है कि हनुमान बेनीवाल ऐसे सोचते हो ना कि मैं हनुमान को वोट इसलिए दे रहा हूँ कि वो ऐसे करवाएगा, क्या तो कुछ तो सोचा होगा ना? देखो ये किसानों की, मजदूरों की और आम आदमी पार्टी है, तो 36 कौम को एक साथ लेके चल रही है, तो मतलब वोट तो आनी देवांगा और काफ़ी टाइम, मतलब
कांग्रेस ने या बीजेपी ने देखता आ रहा मतलब लंबी टाइम से हूँ, तो क्यों ना एक बार नयो चेहरो सामने आवाजना बिन मौको देना चाहिए अपन ने। आपका वोट कौन सी बार पड़ रहा है, पहली या दूसरी बार? सेकंड बार पड़ रहा है। दूसरी बार पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार कांग्रेस को दिया था, भवनलाल जी को। हाँ, भवनलाल जी को। इस बार आरएलपी को वोट दे रहे हैं। यही मुद्दा है, सिर्फ किसानी का मुद्दा है? हाँ, शिक्षा को लेकर कोई? शिक्षा को लेकर भी है। शिक्षा को मतलब कोई पेपर दे के अपन आगे आ जाओ ना, तो दूर क्यों जा रहे हो? कोई पेपर दे के अपन घर फूकते ना, उससे पहले न्यूज मारवाड़ी में बता दो आप, कोई बात नहीं। कोई पेपर ले दे के घर फूका भी हूँ, पहले न्यूज आ जाएगा पेपर आउट गयो, मतलब पहले तो भी को फॉर्म भरो 1500 रुपये भी फॉर्म का लगाओ, बाद में वो पेपर दे के वहाँ खटे भी हुआ, मान लियो दूर जावा घर से हूँ, 2-3 दिन परेशान हुआ, मतलब 2 या 2500 से नीचे कुछ भी को नहीं हो, मतलब किराया भी लगे, रहनो भी सहनो भी हो, पेपर दे के आने में मान लो 5000 को खर्च हो जाए, पाछो बाद में भी की वापस भर्ती करता होगी, बिको भी कोई पता को नहीं, वापस पेपर कदो होएगा, बिको भी कोई पता को नहीं, दोबारा पेपर होगा आउट होएगा या नहीं होएगा, बिको भी कोई पता को नहीं। तो एक चीज़ बताओ, आप युवा हो, राजनीति की थोड़ी बहुत सूझबूझ रखते हो, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई चल रही है ऊपर के स्तर पर, क्या लगता है आपको? देखो बात तो आपसी खींचता ना, बात तो खुद के लिए घाटो है, लिए और एक साथ मतलब काम करे तो युवाओं के लिए भी आपने मतलब राजस्थान के लिए भी फायदा है, लेकिन वह खींचतान के लिए आपकी खुद की खींचतान में खुद को ही नुकसान कर रहा है और राजस्थान को भी नुकसान कर रहा है वह खुद को ही। ताऊ जी आप बताओ थोड़ा सा, आप काफ़ी देर से, नमस्कार सर। ताऊ जी आपको क्या लगता है यहाँ पे आपके गाँव में जो आज कल हनुमान मेनिवाल की सभा होने वाली है, इसके बारे में? हमारा अच्छा माहौल लगता है कि हनुमान जी मेनिवाल हेलीकॉप्टर से 6 जगह भ्रमण करेंगे, उससे आरएलपी के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं लालचंद मुंडे, उनकी मजबूती होगी और उसको उम्मीद भी होगी, क्योंकि ये भी कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति जो नेता लोग आते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी के लोग नेता लोग आते हैं, तो उनको भी इस तरह भ्रमण करने से आम पब्लिक वो उत्साह हो जाएगा उनमें। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि युवा तो हनुमान मेनिवाल के साथ में है, लेकिन आपकी उम्र के आपसे बड़े लोग बुजुर्ग हैं वो हनुमान मेनिवाल को कम चाहते हैं। अब आपके गांव में काफ़ी बुजुर्ग भी मिले, लेकिन क्या कारण है कि वो हनुमान मेनिवाल को जो आपके साथ में गांव में बुजुर्ग वो भी आ रहे हैं? ये कारण नहीं है, जो लड़का दादा को बाबा को कहेगा कि आपका दादा जी वोट है देखो हनुमान मेनिवाल देना है, तो वो मना नहीं करेगा, मानेगा आप घर? हाँ, अगली बार पक्का मानेगा। क्यों? क्या वो बोल नहीं कर रहा है, बूढ़ा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है कहीं, और कहीं घूमता नहीं है, घर घर रहता है, एक गार्ड मारता है और कहीं जाता नहीं है, और नया जवान है वो टेलीफोन से सबको संपर्क कर लेता है, कब का क्या माहौल चल रहा है। एक चीज़ और बताओ, सरदार शहर में हर गांव में शहर में एक चीज़ चल रहा है कि बूंदिया और बुझिया की, यो के किस्सो है, थोड़ा सा एक बार में डिटेल में बताओ। देखो वो तो एक पार्टी आवे भी का आपका जो मतदान आवे मतदाता आवे, बाकी वो भोजन तो होना जरूरी है, क्यों कल भूखा जाए ना फिर गाली काटता जाए, मैं तो कोई बंदोबस्त कर ले कोई होए को नहीं बंदोबस्त है, और आज के युग में पार्टी मानो एक ऐसी खेल गोनी है, बहुत खर्चों लागे है और बहुत ही उम्मीदवार जनता के साथ वजना जाके वो खर्च का है, बाकी तो चुनाव लड़ने वाला धनबल चाहिए। हाँ, धनबल चाहिए, और उनको तो जड़ बैठी हुई है, इनकी जड़ यहाँ हम बैठाएंगे, नवयुग मिलकर बैठाएंगे तब वो मजबूत होगा, और उनको भी देखेंगे कितना काम करेगा अगले नेक्स्ट 5 सालों में 1 साल में। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांगड़ गांव के कुछ युवा और बुजुर्ग साथी, तो इन्होंने काफ़ी बातें की, इन लोगों से काफ़ी चर्चाएं की, तो आपको क्या लगता है आप भी ज़रूर बताइएगा इस पे। बहरहाल इतना ही, जुड़े रहिए आप RJ TV 24 पे। RJ TV 24 के माध्यम से एक छोटी सी अपील और करना चाहेंगे, 5 तारीख को सरदार शहर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो आप सभी मतदान ज़रूर कीजिएगा, किसी भी पार्टी को आप वोट दीजिएगा, लेकिन आप मतदान से वंचित मत रहिएगा। जय हिंद, जय राजस्थान।